Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And yeah, it's been too long. So without wasting much time, let's get into the video. So the first product is striping tape line nail sticker. And it has 30 pieces. I hope it is visible to you, like clearly. It cost me ₹126 and I think in 126 these 30 like stripes are just great aur inki quality bhi mujhe kafi sahi lag rahi hai. So the next is nail art tools and it has 3 pieces, 3 packs and it cost me only ₹160. एंड मैंने इसे ट्राई करके देखा है सो ये अपना काम कर रहे हैं और बहुत सही से सो आई एम वेरी हैप्पी विद देम और मैंने फ्लिपकार्ट से भी ये ऑर्डर किया था लाइक वो 400 के अराउंड था एंड उसका जो स्टैम्पर था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता सो वेस्ट है वो मेरे लिए बट आई एम वेरी हैप्पी विद देम सो द थर्ड प्रोडक्ट इज लिंट क्लीनिंग ब्रश ये बिल्कुल सही पैकेजिंग में आया था अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ एंड मैंने इसे यूज़ करके देखा है मुझे इस प्रोडक्ट का कोई यूज़ नहीं लगा लाइक बहुत ही कम लिंट जो रिमूव कर पाता है ये सो मैं इसे वापस करवाऊँगी ये मैं इसे रोटेट भी कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके ताकि जो इस पर लिंट लगी है वो उड़ जाए ताकि जो इस पे लिंट लगी है इसका ये बटन है अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऐसे मूव होगा इसका ये फंक्शन है कि जो इस पे लिंट लगी होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी ऐसे करने से सो यार मुझे इसका कोई फायदा तो नहीं लगा बिकॉज ये बिल्कुल भी काम नहीं करती लाइक सो या एंड इसका प्राइस आई थिंक 110 रुपीज था और मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रोडक्ट दैट इज फोम डेकोर सीक्वेन वर्क केस इट इज क्वाइट ह्यूज लाइक इट इज वेरी स्पेशियस अगर इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट या जिप होती तो आई थिंक इट वुड बी सुपर्ब प्रोडक्ट बट क्वालिटी इसकी सही है एंड इट कॉस्ट मी ₹200 जो कि मुझे 200 के हिसाब से बहुत कॉस्टली लग रहा है आई एम नॉट श्योर कि मैं इसे रखूंगी या रिटर्न करा दूंगी So the next is heart shaped sunglasses. So ये इस पाउच में आया शीन लिखा हुआ है yes. काफी अच्छी क्वालिटी है इसके केस की तो यार इसके अंदर हमें फैब्रिक भी मिल रहा है ग्लासेस साफ करने के लिए एंड लेट अस सी कि मेरे ऊपर ये सूट करेंगे या नहीं करेंगे सो या इनका प्राइस 160 रुपीज था सो थम्स अप फॉर दिस आई एम रियली हैप्पी विद देम सो द नेक्स्ट इज दिस मोक नेक बेल स्लीव्स टी एंड इट हैज निटेड फैब्रिक
I ordered in the size M. It has bell sleeves and मैं अभी picture भी insert कर दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है. It cost me ₹500 and I think 500 के हिसाब से ये थोड़ी costly है. It has see-through fabric जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इस टॉप में. So the last product from Shein is also a tee, like it is glitter tee, mock neck glitter mesh overall top, and it cost me ₹440. मुझे इस टॉप में ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी ग्लिटर उधर नहीं रही बिल्कुल भी, एंड आई थिंक ये नाइट पार्टीज में, डीजे पार्टीज में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो या आई एम रियली हैप्पी विद देम. सो या आई एम रियली हैप्पी विद इट. थम्स अप. सो दैट्स ऑल फॉर माय शीन हॉल. Now coming on to the Clough Factory haul. So the first product is this toque. It is so stretchy and it has knitted fabric. जब मैंने इसे पहली बार देखा था so I thought कि मैं इसे पक्का return करा दूंगी, but जब मैंने इसे wear करके देखा then I was like स्पीचलेस, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और इसकी फिटिंग इज जस्ट अमेजिंग. बट मैंने इसमें जो ये टॉप ऑर्डर किया इसकी स्लीव्स हाफ स्लीव्स है लाइक ये, एंड आई एम नाउ थिंकिंग कि हाफ स्लीव्स का निटेड फैब्रिक में कोई यूज नहीं है, सो इट इज़ लाइक वेस्ट. बट ओवरऑल आई लव इट एंड आई थिंक ये मुझे 300 के अराउंड मिली थी. Color is also very nice, so yeah, thumbs up for this product. So the next product is also a top, and this is this that I'm wearing right now. It also has a knitted fabric and I'm in love with this top. It cost me like ₹400 I think, and its fabric is amazing, its quality is amazing, its fitting is amazing. So yeah, I'm really very happy with this. Thumbs up. The next product is a wig. मुझे बहुत शौक है ऐसे bangs का, but thank God मैंने असली में bangs नहीं cut करवा के wig try कर ली, because मुझे पता चल गया कि मुझ पर बिल्कुल भी suit नहीं करते. Let me wear and show you. एंड आई थिंक इसका प्राइस ₹160 के अराउंड था. इट्स अ ग्रेट डील. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ड्रिंक्स. माई होल इज इनकम्प्लीट विदाउट ड्रिंक्स आई थिंक, बिकॉज आई जस्ट लव रिंग्स, एंड इट हैज 12 रिंग्स इन अ पेयर, एंड आई थिंक आई कैन शो यू लाइक 10 ओनली नाउ. The quality is just amazing, and ये सब अलग सभी अलग अलग sizes में हैं, so I'm really very happy with them. एंड इसका प्राइस आई थिंक ₹160 के अराउंड होगा, नॉट मैक्सिमम देन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लाइक 160 के अराउंड होगा. सो द लास्ट सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द होल इज दिस रिस्ट वॉच, एंड ये मुझे इसका प्राइस ₹441 था,
पर ये मुझे 207 रुपीज़ की मिली आई थिंक, तो इसलिए मैंने ले ली। इट्स प्रिटी नाइस। Quality is nice, color is also nice. So yeah, I am quite happy with it. So the last product of the haul is a backpack. So yeah, that's all for today's video. Thank you for watching my video and do subscribe to my channel if you like my video and press the like button and yeah, thank you. Bye-bye. Have a nice day.